मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी कि समय को चार युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी कि एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो और धर्म का सिर्फ एक चौथाई अंश ही रह गया हो। वर्तमान की परिस्थितियों में यह चरितार्थ होता हुआ भी दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग को मनुष्य के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ, या फिर ये कि श्रापित युग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए हम आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। भागवत गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेगा कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। इसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कले कलेश होने लगेगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसके बाद मैं, शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तब हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के 5,121 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,880 वर्ष अभी बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी और उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु बन जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग का समाज हिंसक होगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा और जब आतंक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। वहीं शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे। दूसरे के धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर जाएगी। पराई स्त्रियों पर मनुष्यों का मन आसक्त होने लगेगा तथा वो दूसरे प्राणियों पर हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद में मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़कर
वो दूसरों को ठगेंगे और तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग कर देंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चोरी चकारी कर अपना पालन पोषण करेंगे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी धनोपार्जन परायण तथा नापतौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वो अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित होकर व्यर्थ ही घूमेंगे, स्वयं को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और सभी वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। कलियुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, वे सास ससुर से घृणा करेंगी, स्त्रियां किसी की बात नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। दर्शकों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती दिखाई दे रही हैं, जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपने चरम पर होगा उस समय पृथ्वी पर क्या क्या होगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड और जोरों की गर्मी पड़ेगी, लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे, चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी, चोरों से चोरों का नाश होने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी, लोग दुर्बल, क्रोध लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण सभी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। इसके बाद श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल्कि रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा कर 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से एक नवयुग आरंभ होगा जिसका नाम सतयुग है। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर फिर बल देने लगेगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों ओर प्रेम ही प्रेम होगा, मानवता की पुनः स्थापना हो, मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी, लोग पूजन कर्म कांड में फिर से विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा के परमात्मा के मिल जाने से सभी सुखी होंगे, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन मित्रों, सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की ही तरह सुख की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आप सभी कलयुग और सतयुग के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब हमें इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।